Welcome to RKGIT e-learning channel. My name is Neha. I am assistant professor in IT department. Today my topic is passes in compiler. First, you all are aware about compiler. Compiler is a translator that converts the source program into target program or source language into target language. Compiler is divided into 6 phases. First phase is lexical analysis phase, second one is syntax analysis phase, semantic analysis phase, intermediate code generator phase, code optimizer phase, and last one is code generation phase. We can group phases into modules. These modules are called passes. In the implementation of a compiler, we can implement a compiler into by a single pass compiler or a multi-pass compiler. Single pass and multi-pass compiler both are the type of compiler. When we implement a compiler, we can implement it by a single pass or by multi-pass. But it can be decided by the environment in which a compiler must work or by the structure of the source language. Now, the difference in single pass and multi-pass compiler. Single pass compiler contains all the phases in a single pass, while in multi-pass compiler we can group phases, one phase or more than one phase, in a module that is called a pass. Now, single pass compiler is faster than multi-pass compiler. Why? Because when single pass compiler works or process, then the whole code of the single pass compiler is loaded into main memory, and when multi-pass compiler is in process, then one phase or one pass at a time will load in main memory, and the subsequent pass will load in main memory after deleting the previous pass. तो जब single pass compiler की हम बात करें तो पूरा कोड एक साथ main memory में load हुआ है. जब ये work करेगा तो क्या होगा, आपका पूरा कोड एक साथ मेन मेमोरी में है, तो इसको कहीं से भी कोई इनपुट बार बार लेने की या बार बार आउटपुट कहीं पे राइट करने की ज़रूरत नहीं है. सिंगल पास कंपाइलर क्या काम करेगा, वो आपके इनपुट को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा टारगेट प्रोग्राम में, आपको आउटपुट दे देगा. बट इन मल्टी पास कंपाइलर एक टाइम पे एक ही पास मेन मेमोरी में लोड होगा. जब एक सिंगल पास मेन मेमोरी में लोड होगा, फर्स्ट पास जो होगा वो मेन मेमोरी में आने के बाद सोर्स प्रोग्राम को एज एन इनपुट लेगा, उसको आउटपुट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा. जो फर्स्ट पास के थ्रू के फेजेस के थ्रू आउटपुट आएगा उसको एक इंटरमीडिएट फाइल में सेव करेगा और फिर मेन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा. उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पास होगा वो मेन मेमोरी में लोड होगा, वो इंटरमीडिएट फाइल से उस आउटपुट को एज एन इनपुट रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा अपने फेजेस के अकॉर्डिंग, और जो आउटपुट आएगा उसको इंटरमीडिएट फाइल में स्टोर कर देगा फॉर द यूज़ ऑफ सब्सिक्वेंट फेजेस. तो आगे आने वाले पासेस जो हैं उस इंटरमीडिएट फाइल का यूज़ करके इनपुट को लेंगे और मेन मेमोरी से जाते वक्त उस अपना आउटपुट उस इंटरमीडिएट फाइल में स्टोर करके जाएंगे. अब क्योंकि मल्टीपास कंपाइलर को बार बार इंटरमीडिएट फाइल से डेटा को रीड करना पड़ रहा है, उसमें डेटा को राइट करना पड़ रहा है, इसलिए मल्टीपास कंपाइलर सिंगल पास कंपाइलर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लोअर होता है. द सेकेंड डिफरेंस इज सिंगल पास कंपाइलर टेक्स मोर स्पेस इन मेमोरी व्हाइल multi-pass compiler uses lesser space than single pass compiler. अभी मैंने आपको बताया कि single pass compiler का पूरा कोड एक साथ main memory में लोड होता है. अगर आपके पास 1000 lines of code है compiler का या 2000 lines of code है तो एक साथ उसको main memory में space चाहिए. लेकिन multi-pass compiler के में ऐसा नहीं है. multi-pass compiler क्या करेगा, एक पास को एक बार मेन मेमोरी में लोड कर रहा है. तो अगर आपके पास 1000 ऑफ लाइंस का कोड है और वो 4 पार्ट्स में 4 पासेस में डिवाइडेड है, तो अप्रॉक्सीमेट एक पास के पास 200 लाइंस ऑफ कोड आएगा या 250 लाइंस ऑफ कोड आएगा जो एक टाइम में मेन मेमोरी में लोड होगा. अब सेकेंड पास आने के वक्त पहला पास मेन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, तो आपको इस केस में स्पेस कम रिक्वायर्ड होगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल पास कंपाइलर. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे पास्कल कंपाइलर है वो एक सिंगल पास कंपाइलर है, जबकि जावा कंपाइलर ये एक मल्टीपास कंपाइलर है। तो दोनों कंपाइलर्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपना अपना यूज़ है, और ये चीज़ें हमारी किससे अफेक्ट हो रही हैं, उस एनवायरनमेंट से जिससे जिसमें हमारे कंपाइलर को वर्क करना है, और दूसरा जो हमारी सोर्स लैंग्वेज होगी उसकी स्ट्रक्चर, दोनों से ये इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड होगा कि आपको सिंगल पास कंपाइलर बनाना है या मल्टीपास कंपाइलर बनाना है। थैंक यू सो मच।